रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी 2019 ऑल इंडिया प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को DASCB दिल्ली और CAG दिल्ली के बीच खेला गया। फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह और विशिष्ट अतिथि UPCA के कोषाध्यक्ष रियासत अली थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए DASCB की पूरी टीम 39वें ओवर में 144 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 145 रनों के पीछा करने उतरी CAG दिल्ली की टीम ने संभल कर खेलते हुए 33वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर फाइनल मुकाबले को 6 विकेट से जीतकर ऑल इंडिया प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता बनी। CAG दिल्ली की टीम ने ऑल इंडिया प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट को लगातार दूसरी बार जीतने का मौका मिला। CAG के ब्राविश शेट्टी ने फाइनल मुकाबले में 66 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। CAG के करणवीर सिंह टूर्नामेंट में 12 विकेट लिए, उन्हें बेस्ट गेंदबाज। पूर्वोत्तर रेलवे के निशांत राय को टूर्नामेंट में 235 रन बनाने के लिए बेस्ट बैट्समैन और लक्ष्य गोरखपुर के प्रियांशु श्रीवास्तव को टूर्नामेंट में 2 शतक और 1 अर्धशतक सहित सर्वाधिक 394 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। मुख्य अतिथि UPCA के सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह और विशिष्ट अतिथि UPCA के कोषाध्यक्ष रियासत अली सहित अन्य अतिथियों ने टूर्नामेंट की विजेता टीम को ट्रॉफी और 3 लाख का चेक, उप विजेता टीम को ट्रॉफी और 2 लाख का चेक, अन्य खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर टूर्नामेंट के अध्यक्ष डॉ. तिलोक रंजन, टूर्नामेंट के सचिव डॉ. राजेश यादव, पूर्वोत्तर रेलवे खेल के जनरल सेक्रेटरी PK अग्रवाल, GCA के सचिव गजेंद्र नाथ तिवारी, डॉ. अंबुज तिवारी, डॉ. संजय त्रिपाठी, सांसद कमलेश पासवान सहित आयोजन समिति, अन्य खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने आयोजन समिति का टूर्नामेंट आयोजन के लिए सराहना किया। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि गोरखपुर अपने आप में एक समृद्ध इतिहास लिए हुए है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि यहाँ से टैलेंट क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया और मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन आपको हर साल बोर्ड का एक मैच कराने का मौका देगी। दूसरा, हमारी UPCA की भी टीम आपके टूर्नामेंट में ज़रूर आएगी। कल मैच मेरा मैच किया, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। और इस बार जुल्का ने उठा के मारा है गेंद को। कोई फील्डर नहीं वहां पर, गेंद आसानी के साथ पहले गए। अब तो रनिंग हो रही है, बहुत बड़ा हो गया। और अच्छा कैच, पहली गेंद पर एक बार फिर कर्जों का इस्तेमाल और लगातार दूसरा चौका। और इस नाम के साथ चरण की ऑन साइड में लॉन्ग लेग की दिशा में, और उसी के साथ इस मैच को CAG दिल्ली ने DASCB दिल्ली को 6 विकेट से हराकर जीत दिया है। लक्ष्य, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ये सब यहाँ के लोगों को प्रेरणा देने के साथ, जो यहाँ पे जो हमारे प्रशिक्षु खिलाड़ी हैं उनको तो खास तौर पे, दोनों टीमों के खिलाड़ी और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा शरदीप जी का। यानी आप लोग कितने लोग जानते हैं कि इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप गोरखपुर आ सकते हैं क्या, तो थोड़ा डाउट था, मुझे पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं है, और बहुत सारी चीज हम लोगों को देखनी होती कि हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो सब उसके बाद तिवारी जी इन्वॉल्व हुए और मैं आपके बीच ये कहने में गौरवान्वित कर रहा हूँ कि मैं बहुत सही जगह आया। बहुत शायद अगर मैं ना आता तो कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जाता। जब मैं बाहर आया तो गाड़ियों की लाइन देख के मुझे लगा कि ऑर्गेनाइजर्स बहुत इन्वॉल्व होके किसी चीज को करा रहे हैं। अंदर आया तो ग्राउंड, सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है ना ऑर्गेनाइजर्स का,
और ये लोग सब खड़े हुए, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें प्लेयर्स भी मुझे मिले, इसमें रेलवे जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नौकरियां स्पोर्ट्स के बच्चों को दे रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रेलवे का, वो आप लोगों के साथ है। जो शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं वो आप लोगों के साथ हैं, पैसे वाले भी आपके साथ हैं, बुद्धिजीवी भी मेरे एक मित्र मिले, क्योंकि भाई चांस मैं भी बुद्धिजीवी कहलाता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ मेरठ कॉलेज में। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे अफसोस थोड़ा सा ये है कि गोरखपुर डेमोग्राफिकली एंड ज्योग्राफिकली ऐसी जगह लोकेटेड है और अपने आप में बड़ा समृद्ध इतिहास लिए हुए है, ऐसी कौन सी वजह है कि यहाँ से टैलेंट क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं आ रहा। मैं तिवारी जी हैं, लगभग मेरी एज 55 साल है, इनको 49 साल लगभग हो गए यूपीसीए में, तो बहुत बुजुर्ग हैं, बड़े सम्मानित हैं हमारे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी जबरदस्त टीम तो पूरी यूपी में किसी जिले में नहीं है जो आपके पास है। आप सबको लेके आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल में एक नहीं दो दो तीन साल में आप बेस्ट रिजल्ट देंगे, और ये मेरी मेरी यही कामना है कि गोरखपुर से बच्चे आएंगे, यूपी क्रिकेट मजबूत होगा हमारा। मैं आपको फिर सब लोगों को सलाम करने आऊंगा कि एक लड़का तो दे दो, अच्छे लड़के हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लड़के नहीं है, बहुत अच्छे लड़के आते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद फिर नहीं, क्योंकि अपने आप में यूपी में बहुत कंपटीशन है। इस बार हमारे रिजल्ट भी, बड़ी कोशिश हम लोगों ने की, रिजल्ट भी अच्छा आया है, हर एक ग्रुप में अच्छा रिजल्ट है, तो गोरखपुर भी उसमें कहीं सहभागिता करे ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, मैं बहुत खुश होऊंगा। आप लोगों ने इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया और मैं चाहता हूं, मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि एक तो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन आपको बोर्ड मैच देगी हर साल, दूसरा हमारी यूपी की यूपीसीए की टीम आपके इस टूर्नामेंट में जरूर आएगी। मैं एक तो अभी आप लोगों से बात कर रहा था कि इतने इसमें चार पांच प्लेयर्स को तो मैं जानता हूं बहुत छोटेपन से, मेरे जानकार हैं, बहुत छोटे छोटे थे तब से। इन बच्चों को देखने अगर स्कूल्स के बच्चों को आप इनवाइट करें तो ये बड़े खिलाड़ी हैं, इनका गेम देखें, इनको देख के उनको थोड़ा सा उत्साह आएगा, तो शायद बच्चे फिर ज़्यादा आकर्षित होंगे। आकर्षण अभी जो हम लोग बात करते हैं कि क्रिकेट का बड़ा आकर्षण है, बड़ा आकर्षण है, लेकिन अगर ये बच्चे जो सामने बैठे हुए हैं इनसे भी हम बात करें, जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनसे बात करें, तो शायद क्वालिटी पहले ज्यादा अच्छी थी, क्वांटिटी ज्यादा है, प्रॉब्लम क्वालिटी की है आज की तारीख में, क्वांटिटी बहुत ज्यादा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों की क्वांटिटी नहीं, बच्चों के पेरेंट्स की जो क्वांटिटी मिलके हम लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है वो बहुत बड़ी है। बच्चों के पेरेंट्स ज्यादा खेल रहे हैं सर, जब से आईपीएल शुरू हुआ, बच्चा खेलना चाह रहा वो उसके माँ बाप खिलाने के चक्कर में कि क्रिकेट खिलाओ, ऐसा नहीं होता, कुछ ऊपर वाला टैलेंट देता है, उसके बाद हम लोगों को मेहनत करके फिर आगे बच्चा बढ़ता है। और जो बच्चे यहाँ छोटे खड़े हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि कोई शॉर्टकट नहीं होता, इनमें जितने भी बड़े खिलाड़ी बैठे होंगे इनमें से किसी ने शॉर्टकट नहीं लिया, बल्कि बहुत से तो ऐसे भी मैं जानता हूँ जो बहुत टैलेंटेड थे लेकिन उनको उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, ऐसे भी बच्चे बैठे हुए इनमें। मेहनत करिए, डिसिप्लिन रहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, कभी हिम्मत मत हारिए, खूब मेहनत करिए, अच्छे इंसान बनिए। मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूर्नामेंट आप लोग कराते हैं। रेलवे के ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनसे काफ़ी देर मेरी बात चल रही थी, इतने पॉजिटिव हैं कि आप लोग, सच बताऊं मैं इसलिए नहीं कि मैं भाषण दे रहा हूं, भाषण वाषण में देता नहीं है एक्चुअली, मुझे आदत नहीं है ज़्यादा, लेकिन बिलीव करिए कि मुझे एक भी निगेटिव आदमी नहीं मिला अभी आप लोगों में से, सब पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
अधिकतर तो हम जगह जाते हैं, साहब वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मतलब हम लोगों की तो आदत में ऐसा कि हम लोगों को वही लोग मिलते हैं, सर देखिए उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, एक भी आदमी आप लोगों में से ऐसा नहीं मिला जो निगेटिव बात कर, सब पॉजिटिव है। आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, मुझे और खुशी इस बात की है कि आपने क्रिकेट की जगह स्पोर्ट्स का नाम जोड़ दिया उसमें, ये और इम्पोर्टेंट है कि खेल बाकी भी है, अकेला क्रिकेट और क्रिकेट कराना आसान है, उसमें मुश्किल है बाकी गेम कराना, आप वो भी करा रहे हैं। आपको सलाम, मैं फिर एक बार सलाम करने आऊंगा, एक दो साल में आप लोग रिजल्ट देंगे, बस मेरी अपने जो हमारे अभिभावक भी हैं तिवारी जी, उनसे भी अनुरोध है कि इन सबको साथ लेके चलें और गोरखपुर के को क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। और विजय भटनागर सर, गौरव जी योगेश्वर सिंह मैन ऑफ द मैच प्रवेश सकते हैं सीएम टीम का। तुम्हारी ट्रॉफी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी और साथ में 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार। ऊपर